खबर रीवा जिले से है, जहां सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है। इसके लिए समाज सेवी संगठनों के साथ साथ जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं का सहयोग लिया जा रहा है। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम से जागरूकता वाहन को कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने मीडिया और अन्य माध्यमों से अपील की है कि टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट और फोर व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट जरूर लगाएं। कलेक्टर ने कहा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार हमारा इंतजार करता रहता है। एक व्यक्ति की लापरवाही से अन्य दूसरे भी घटना का शिकार हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं कलेक्टर ने क्या अपील की है। दो में प्रॉपर तरीके से ना, दो में गाड़ी के बीच चल रहा है तो कोई और जल्दी आप सभी की मदद से हम लोग लगातार सड़क सुरक्षा और यातायात के संबंध में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। आप सभी के माध्यम से लोगों से अपील है कि आप सड़क पर जब भी चलें, अपना वाहन चलाएं, तो नियमों का, जो यातायात से संबंधित नियम है, उसका पालन करें। अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर उपयोग करें। टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें। और थोड़ी सी आपकी सावधानी, थोड़ा सा आपका बचाव, थोड़ा सा नियमों के प्रति प्रतिबद्धता आपके जीवन के लिए और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं आपकी गाड़ी में, उन सभी के जीवन के लिए बेहतर हो सकता है। हम सभी से अपील करते हैं कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं।